too much, talk too much, talk too much. Just wanted to show you love, show you love, show you love. I didn't wanna hide behind all the thoughts that grab my mind. 'Cause I just wanna wake up in the fleeting night and feel all things we might breathe in the air tonight. जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं व्यूअर्स। आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक है सुजुकी सेज 1400 सीसी पेट्रोल के नाम है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये बता दूं कि जिन प्यारे भाइयों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर दें, कमेंट करें, फेसबुक पे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और अपनी राय से ज़रूर आगाह करें ताकि हमें पता चले और जो चीज़ें हमें लाजमी बताएं, हम कोशिश यही हम इनको टाइमली इम्प्रूव करेंगे। सुजुकी सेज जिसको वैसे मैंने सुना है 5-6 लोगों से इसको सुजुकी रियाज़ कहते हैं, सुजुकी रियाज़ कहते, क्योंकि सी से सियाज़ सी की जगह आप आर लगा दें तो रियाज़ बन जाता है। सुजुकी सियाज़ जो कि मेरा ख्याल है वैसे अब आपको थोड़ी बहुत नज़र आनी शुरू हो गई है, पहले इसे लोगों ने वेलकम नहीं किया था, मैं नहीं जानता क्यों, बट ये कि गाड़ी काफ़ी अच्छी है, गाड़ी शेप वाइज लुक वाइज इसकी एक अगर देखा जाए शेप ज़रा डिफरेंट है और गाड़ियों से, और काफ़ी हद तक अगर देखा जाए सुजुकी कजाशी जो इन्हीं की तरह अपग्रेडेड वर्जन है उससे काफ़ी हद तक मिलती जुलती लगती है। पेट्रोल गाड़ी की प्राइस अगर देखी जाए इंडिया में ये 8.25 लाख रुपए की है, उधर ये मारुति सुजुकी सेज़ के नाम से है, और अगर डीज़ल की प्राइस देखी जाए तो 9.25 लाख रुपए की है, डीज़ल उधर महंगी है, इधर सिर्फ इसमें पेट्रोल वर्जन आता है, डीज़ल वर्जन नहीं आता। मैंने जैसे पहले बताया मैंने कई लोगों से ज़रूर सुना है सुजुकी सेज़ को सुजुकी रियाज़ कहते उन्हें तो भाई कोई शक नहीं है, ये मैंने सुना है वैसे कहीं ये लिखा नहीं है या कोई इसको मतलब कोई ज़्यादा लोग नहीं कहते, ये सर ये मेरा प्रसप्शन है और बिल्कुल मैंने सुना है ऐसे ही है। गाड़ी वैसे देखने में बहुत अच्छी है और काफ़ी तक अगर देखा जाए इसकी लुक जो है सुजुकी कजाशी जो इन्हीं का अपग्रेडेड वर्जन है उससे मिलती जुलती लगती है। गाड़ी में फ्रंट काफ़ी खूबसूरत है गाड़ी की देखी जाए, इसमें कोई शक वाली बात नहीं, बट LEDs की कमी है, प्रोजेक्टर लाइट ज़रूर हैं, प्रोजेक्टर लाइट ज़रूर है गाड़ी में, आपको जलती नज़र आ रही होंगी, प्रोजेक्टर लाइट ज़रूर है बट इसमें प्रोजेक्टर LED होनी चाहिए थी, फोग लैंप भी नहीं है गाड़ी में, होने चाहिए थे, लाजमी होने चाहिए थे। ये 2017 मॉडल है, 2017 मॉडल की सुजुकी सेज़ मैनुअल है, ये मैनुअल एडिशन है और इसमें ही ऑटो भी होता है। जब ये ली थी उस टाइम इसकी प्राइस तकरीबन आप कह लें 2017 में बुक करवाई थी जिन प्यारे भाई की गाड़ी है उस टाइम 17 लाख की उनको पड़ी थी बुक करवा के, उसके बाद फिर ये 17.5 लाख की भी हो गई थी गाड़ी। आज के टाइम पे आज अगर हम अब की बात करें 2019 की तो ये गाड़ी की प्राइस, इस गाड़ी की प्राइस तकरीबन आप कहें जो ये मैनुअल एडिशन है इसमें और कोई एडिशनल चीज़ नहीं ऐड की, मैनुअल की प्राइस इसमें 21,60,000 होगी, जो कि मेरा ख्याल है एक अच्छी बात नहीं है विदाउट एनी एसेसरी एडिड, और जो ऑटोमेटिक है इसमें उसकी प्राइस 23 लाख है। तो अगर हम वैसे कहें नंबर लगवा के आपको मैनुअल गाड़ी 21,60,000 की जो है वो आपको पड़ जाएगी 23-1 लाख की, क्योंकि अगर पंजाब से नंबर लगवाएंगे इसमें यहाँ लग्जरी टैक्स हमारे पाकिस्तान में लग्जरी टैक्स इस पर पड़ता है तो सिर्फ 70,000 इस पर लग्जरी टैक्स ही है, जो क्योंकि मेरा ख्याल है गवर्नमेंट ने कोई अच्छी बात नहीं की और सोचना चाहिए इन्हें कि ये लोगों को डीमोटिवेट करते हैं, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, ये इस तरह लोग डीमोटिवेट होते हैं, इस तरह लोग इन गाड़ियों से भागेंगे नहीं लेंगे। आप देखिए लोकल में पहले ऑप्शन नहीं दे रहे, अब ये मतलब आप चीज़ें भी कर रहे हैं कि लग्जरी टैक्स, ये तो अच्छी बात तो नहीं है, आपको चाहिए इन्हें ऑटो जो आपकी लोकल है इन्हें प्रमोट करें, इन्हें इनका टैक्स कम करें, उन्हें कहें ऑप्शन दें। अब ये थोड़ी है कि मतलब अब यहाँ तो हमारे पाकिस्तान में ये हो रहा है कि जी दूध वाला ये कहता है कि भाई दूध में ये है कि महंगा कर दिया है तो मैं दूध अफोर्ड नहीं कर सकता तो मैं उसकी जगह जहर बेचने लग जाऊं, ऐसा भाई कहीं भी नहीं होता, सारी दुनिया में ऐसा नहीं होता, सारी दुनिया में ही नहीं होता कि अगर आप एक बिस्कुट ले रहे हैं कि बिस्किट के जी गवर्नमेंट ने टैक्स ज़्यादा लगा दिया तो आप जी बिस्किट की जगह आप जी जहर बेचने लग जाएंगे, ऐसे नहीं होता भाई, ऐसे नहीं होता कहीं भी, ये सिर्फ हमारे पाकिस्तान में होता है। अब वापस आते हैं टॉपिक पर, गाड़ी वैसे बहुत अच्छी है, साइड वाइज भी काफ़ी अच्छी है, खूबसूरत है और इसकी ग्रेस, इसकी ब्यूटी,
जस्ट ये ऑप्शंस की कमी है, गाड़ी मांगती है, गाड़ी वाकई खूबसूरत है और मैं यही कहूँगा इसको लोगों ने कोई वेलकम नहीं किया, लिया नहीं है, ज़रूर लें, लाजमी लें। और यही सुजुकी से भी ये कहूँगा प्राइस आप कम करें कि इसकी प्राइस आपने इतनी ज़्यादा कर दी है जो कि अनजस्टिफाइड है बिल्कुल, मेरा मुझे नहीं समझ आती इसकी प्राइस। जहाँ तक गाड़ी के इंटीरियर का ताल्लुक है तो इंटीरियर देखा जाए तो काफ़ी गाड़ियों से चेंज है और डिफरेंट है। अगर हमारी लोकल और गाड़ियाँ देखी जाएँ या जैपनीज़ में भी कोई देखी जाए तो किसी से मिलता जुलता नहीं है। इवन इसका नाम या वैसे इसकी शक्ल काफ़ी हद तक आपको सुजुकी कजाशी जैसी लगेगी, बट उसमें एसेसरी ज़्यादा हैं, ऑप्शन ज़्यादा हैं। और इसमें यह कि वो आप चीज़ें निकाल दें तो ये वो गाड़ी बन जाएगी ये भी कह सकते हैं। स्टीयरिंग काफ़ी सॉफ्ट है एज़ कम्पेयर टू जो बलिनो या लियाना सुजुकी की आती थी, उससे तो हज़ार गुना बेहतर है, उससे हज़ार गुना बेहतर है गाड़ी। और एक चीज़ मुझे ज़रूर इसमें कमी लगती है, टीवी बैक व्यू कैमरा कोई नहीं है, सादा टेप है जो कि मेरा ख्याल है बहुत ऑब्सोलीट है। अब जी कहीं चल रहा और इसमें चलने ना चलने की बात के अलावा भी आप यही देख लें भाई कि यही देख लें कि अगर आपको गाड़ी बैक करनी हो बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत अजाब बन जाता है। आप देखें आज के दौर में ना बम्पर सेंसर हो ना कुछ हो तो बहुत मुश्किल बन जाता है। बाकी यही है कि ये फिर इसमें ये जो बटन्स हैं ये ऑटो में मैंने सुना यही हैं, मैनुअल में भी यही है, कोई फ़र्क नहीं है। ऑटो और मैनुअल का बेसिकली गियर का ही फ़र्क है जो कि मेरा ख्याल है अच्छी बात नहीं है। बाकी इन्हें हैंड ब्रेक भी फुट ब्रेक देनी चाहिए थी पाँव में, क्योंकि आजकल हर जगह फुट ब्रेक ही चल रही है। जहाँ तक डैशबोर्ड का ताल्लुक है तो डैशबोर्ड गाड़ी का काफ़ी ह्यूज है और गाड़ी में फैब्रिक आता है, लेदर नहीं है, ये जस्ट करवाया हुआ है। और बटन्स की थोड़ा सा आपको फील होता है क्वालिटी का ना, मतलब उन है कि मतलब इतनी अच्छी नहीं आपको लगती। बाकी गाड़ी में दो एयर बैग हैं, एक इधर आता है आपके डैशबोर्ड में आता है, एक स्टेयरिंग में आता है। और मेरा ख्याल है अच्छी बात है, एयर बैग तो लाजमी होने चाहिए, एयर बैग के बगैर तो कोई चक्कर नहीं। एक ये चीज़ भी मुझे इसकी अच्छी लगी है, लाइट्स हैं ये चीज़ भी काफ़ी अच्छी है। बट ये वही बात है, अगर इसमें LED दे देते कितनी है LED, कितनी महंगी है, कुछ भी नहीं है। और रडार कोई नहीं है गाड़ी में, मल्टी स्टेयरिंग का भी बहुत इशू है, मल्टी स्टेयरिंग कोई नहीं है। जहाँ तक बैक लाइट का ताल्लुक है तो बैक लाइट भी इसकी अच्छी है, बट एक चीज़ की कमी है, LED नहीं है जो कि मेरा ख्याल है लाजमी होनी चाहिए थी, LED कोई नहीं है। और काफ़ी तक देखा जाए तो होंडा ग्रेस से इसकी मिलती जुलती लाइट है, बट ये कि ये सादा बल्ब है। अगर देखें एक अंदर बल्ब है और जो जस्ट ऊपर ये थोड़ा सा क्रिस्टल किया हुआ है जिसकी वजह से आपको एक अच्छी लगती है, बट मेरे हिसाब से ये LED होनी चाहिए थी क्योंकि LED में ज़्यादा खूबसूरत लगती है इस टाइम आजकल, क्योंकि LED का ही दौर है, LED ही चल रही है। और रिवर्स का भी अच्छा है कि इन्होंने गोल सा दिया हुआ है, बट ये LED की कमी ज़रूर लगती है। और अगर देखा जाए नीचे हम आ जाएँ, रिफ्लेक्टर भी ठीक है, अच्छे हैं, बट यही है कि थोड़ा सा ज़रा आपको लगता है ज़रा क्वालिटी इनकी हल्की है। बम्पर भी अच्छा है, खूबसूरत है, इन्होंने वैसे स्टाइलिश ही दिया हुआ बम्पर, जो कि मेरा ख्याल है एक बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए, लाजमी होना चाहिए। जहाँ तक बैक लेग स्पेस की बात की जाए तो मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तानी गाड़ी में इससे खुली कोई गाड़ी है। और आप यकीन माने ये देख रहे हैं इतनी लेग स्पेस है गाड़ी में कि वाकई मैं खुद परेशान हूँ। और ये देख लें आप जिस पोज में मैं बैठा हुआ हूँ, ये सीट ये वाली फुल पीछे है, ये जस्ट थोड़ी सी आगे है, बट गाड़ी वाकई बहुत स्पेशियस है और मैं इजी होके बैठा हुआ हूँ। आप देख सकते हैं मतलब इतनी लेग स्पेस मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि हमारी किसी मतलब लोकल गाड़ी में होती है। मोर देन इवन सिविक, मोर देन करोला, मोर देन वीगो, और मुझे कुछ हद तक लगी है कि जिस तरह फॉर्च्यूनर से भी थोड़ी सी ज़्यादा ही है। हो सकता मैं ज़्यादा बोल गया हूँ, बट मुझे लगा है कि फॉर्च्यूनर से थोड़ी सी ज़्यादा है। आगे आप देख सकते हैं काफ़ी है लेग स्पेस देख रहे हैं, और मेरा ख्याल है इसमें मोस्ट इवन कजाशी में इतनी है जितनी इसमें है। जो चीज़ है वो तो है, उसमें तो कोई शक नहीं, और जो नज़र भी आ रही है गाड़ी काफ़ी खुली डुली है, स्पेशियस है, और आपको पता भी चल रहा है। और ये है कि गाड़ी वैसे अच्छी है, बट जैसे इसमें एसेसरीज़ की थोड़ी सी कमी है वो कर दें अगर। और ये जहाँ तक देखा जाए बैक का, तो बैक में भी देख सकते हैं ह्यूज है, मतलब ये भी आप देखें इसका जो बैग जो आता शीशा वो भी काफ़ी दूर है। और इसमें फिर ये एक देख रहे हैं आर्म रेस्टर, ये भी मतलब ठीक है अगर आप लंबे सफ़र पे हैं, आपको ये चीज़ काफ़ी सपोर्ट करती है, आप इजीली हाथ रख के, ये भी अच्छी चीज़ है। जहाँ तक ड्राइव का ताल्लुक है तो गाड़ी मैंने जैसे पहले बताया मैनुअल है, और वैसे ओवरऑल मैंने देखा है सॉफ्ट है, जिस तरह का अगर कंपेरिजन किया जाए और गाड़ियों का उस हिसाब से सॉफ्ट है गाड़ी, ड्राइव में अच्छी है, कटिंग इसकी सॉफ्ट है। बट एक चीज़ जो मुझे तंग करती है वो यही है मैनुअल गियर, जिसको
मतलब इसमें अगर आप ऑटो वर्जन चलाएं तो मैंने सुना है, क्योंकि मैंने अभी इतना चलाया नहीं किसी से, ना मुझे इसके बारे में ये है कि इतना, क्योंकि वो मार है ही नहीं मतलब किसी ने लिया ही नहीं है, तो इसलिए उसकी अवेलेबिलिटी काफ़ी मुश्किल है। तो ये फर्स्ट टाइम मैं ये भी अब चला रहा हूँ मैनुअल गाड़ी इसमें, तो ये मुझे सॉफ्ट लग रही है। तो आपको ये चला के थोड़ा फीलिंग आ जाती है, एहसास आ जाता है कि यार इसमें ऑटो जो है वो काफ़ी बेहतर होगी, क्योंकि अगर मैनुअल इतनी सॉफ्ट है तो ऑटो काफ़ी बेहतर होगी। और जहाँ तक इसकी एवरेज का ताल्लुक है, तो एवरेज जैसे कि मीटर में आप देखें 19.1 शो हो रहा है, बट मेरा जो ख्याल है 19 की एवरेज नहीं देती गाड़ी, गर्मियों में तकरीबन आप कह लें 15.5 से 16.5 के दरमियान, 17 भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है अगर आप इसको स्लो चलाएं या हाईवे पे चलाएं। और सर्दियों में ये तकरीबन एवरेज 19.5 के लगभग जाती है, जो कि ठीक है, मेरा ख्याल है 1400 या 1373 के हिसाब से ठीक है इंजन सीसी के हिसाब से। और एक और चीज़, इसमें पेट्रोल वर्जन भी आता है, इसमें डीजल वर्जन भी आता है। डीजल वर्जन जो है तकरीबन अब आप कह लें वो इधर तो नहीं, हमारे इधर तो पाकिस्तान में तो नहीं आता, बट डीजल वर्जन मैंने सुना है 1,00,000 रुपया महंगा है, जो कि इंडिया में आती है ये गाड़ी, सेम इंडिया में आती है मारुति सुजुकी के नाम से, हमारे इधर ये गाड़ी आती है सुजुकी सियाज के नाम से। और मैंने काफ़ी लोगों से इसके, जब ये नई आई थी इसके नाम के बारे में मैंने मिसकॉन्सेप्शन सुनी थी कि काफ़ी लोग इसका नाम रियाज, क्योंकि सियाज है तो रियाज, सी को आप आर कर दें तो रियाज लगता है बिल्कुल। तो ये इस तरह की चीज़ें मैंने सुनी थी लोगों से, 2-4 लोगों से मैंने ये सुनी है, खुद से सुनी है कि सुजुकी रियाज आई है जी, क्योंकि हमारे इधर पता आपको देसी सिस्टम है, तो लोग इतनी जल्दी नहीं वो चीज़ समझते हैं, लोगों को पता नहीं होता। बाकी ड्राइव वाइज गाड़ी अच्छी है, स्मूथ है, एसी की भी इसकी थ्रो काफ़ी अच्छी है। और मैं यही लोगों को कहूँगा ये गाड़ी को ज़्यादा लें, इसमें ये मैनुअल वर्जन की हालत ना लें, आप ऑटो वर्जन लें, मतलब अच्छी गाड़ी ऑटो जो है इसमें। बट एक चीज़ है, मुझे एक चीज़ सुजुकी से ज़रूर है कि प्राइस इन्होंने ना प्राइस बहुत ज़्यादा है। अब देखें, अब ये मैनुअल जो गाड़ी इस टाइम 2019 में मैनुअल की 21,60,000 प्राइस है, जो कि मेरा ख्याल है अनजस्टिफाइड है, जो नहीं होनी चाहिए थी। और ऑटो जो है वो 23,00,000 की है, और नंबर लगवा के आपको तकरीबन, आपको ये तकरीबन आप कह लें 1,25,00,000 का नंबर पड़ जाएगा आपको। और एक और चीज़ इसमें, ये जो हमारे इधर, क्योंकि पंजाब में अगर देखा जाए, अगर पाकिस्तान की बात की जाए, पंजाब में देखा जाए, तो इस पे गाड़ी पे लग्जरी टैक्स भी लगता है, जो कि मेरा ख्याल है एक बहुत बुरी चीज़ है, गवर्नमेंट को इसमें सोचना चाहिए। हालांकि 1400 cc गाड़ी है भाई, ये कौन सी को 5000 cc को टंड्रा आ गया या टकोमा आ गया, इस पे मतलब लग्जरी टैक्स, ये तो कोई मतलब अनफेयर बात है। और यही है कि मैं इसको यही कहता हूँ, सुजुकी से भी एक ये रिक्वेस्ट ज़रूर है कि इसकी एडवर्टाइजमेंट करें और ये गाड़ी मैनुअल में बंद करें, ऑटो में दें ऑटो, क्योंकि मैनुअल चला के अगर आपको फीलिंग आ रही है सॉफ्टनेस की, तो ऑटो तो काफ़ी होगी। मैनुअल में इसके देखा जाए तो 5-speed ट्रांसमिशन होता है। काफ़ी लोग पूछते हैं 5-speed क्या होता है। 5-speed ट्रांसमिशन का भाइयों मतलब ये होता है कि इसमें 5 gear है, देख रहे हैं आपको नज़र आ रहा है गाड़ी में 5 gear हैं, और 6वां जो है वो रिवर्स का है, 6वां gear रिवर्स का है, 5 gear है। इसी तरह अगर आप कोई भी गाड़ी देखें, आप उसमें अगर ऑटो ट्रांसमिशन, अगर बिल्फर ऑटो या मैनुअल, इससे कोई फ़र्क नहीं, अगर आप देखें उसमें नंबर, बेसिकली जितने नंबर होंगे उतने गाड़ी में गियर होंगे। अगर 4-speed ऑटो ट्रांसमिशन है, जिस तरह इसकी ऑटोमेटिक 4-speed ऑटो ट्रांसमिशन में आती है, तो इसका मतलब उसमें 4 auto gear हैं, और जो 5वां एक रिवर्स का होता है, ठीक है। तो ये इस तरह हिसाब किताब होता है इसका। फिर उनमें आ जाते हैं, एस आ जाता है, बी, कुछ में एस है, कुछ में बी में आ जाता है, जिसमें पहले 2 gear होते हैं कि अगर चढ़ाई पे चढ़ानी हो गाड़ी तो उसके लिए होता है। बाकी मैं यही कहता हूँ कि सुजुकी को इस चीज़ में यही है कि एडवर्टाइजमेंट करनी चाहिए, और बहुत अच्छी बात है इन्होंने नई एक चीज़ लॉन्च की है, बहुत अच्छी बात है। आप देखें गाड़ी वाकई अच्छी है, जस्ट ये कि इसमें थोड़े से फीचर एडवांस कर दें, स्मार्ट की एंट्री दे दें, LEDs दे दें, LEDs नहीं है, प्रोजेक्टर है, जो कि मेरा ख्याल है एक अच्छी बात नहीं है। और ये है कि क्योंकि चाबी का मेरा नहीं, मुझे नहीं समझ आती चाबी की, पुश स्टार्ट दे दें इसमें, तो ये कि ये गाड़ी ठीक है और काफ़ी बिकेगी, क्योंकि इस प्राइस में समझ नहीं आती, जब ये गाड़ी, अब ये 2017 मॉडल है, तो ये गाड़ी जब ली थी तब 17,00,000 रुपये की थी, तब फिर समझ आती थी, अब नहीं समझ आती। अगर आप आज के टाइम के हिसाब से देखें, तो आज के टाइम के हिसाब से आपको नहीं समझ आती ये गाड़ी, मतलब ये गाड़ी अगर आपको 23,60,000 की ये और नंबर डाल के आपको तकरीबन ये पड़ जाएगी 23,00,000 की वैसी पड़ जाएगी, तो फिर समझ नहीं आती गाड़ी। तो उसमें फिर ये हमारे लोकल में तो लोग जो है वो सिटी को प्रेफर करते हैं, क्रोला ले लेते हैं इतने पैसों में। बाकी ये कि गाड़ी में जिनकी है, उन्होंने मुझे इसके बारे में ये ज़रूर बताया, लॉन्ग पे गाड़ी बहुत अच्छी है, वो इसको 35-40,000 किलोमीटर चला चुके हैं। और उन्होंने एक दो मुझे इश्यूज़ का भी जिक्र किया जो इसमें उनको आए हैं, कि
जब आपकी पेट्रोल बिल्कुल ख़त्म होने वाला होता है, चेक लाइट जल पड़ती है, तो उन्होंने एक हाईवे से कहीं पेट्रोल डलवाया जिसकी वजह से उनका कैट चोक हो गया और एयर पंप जो है उनको वो, बट गाड़ी ये थी वारंटी में थी जो कि मेरा ख्याल है क्लेम हो गया उसका। इसकी वारंटी में है लोकल सुजुकी जो है आपका 75,000 किलोमीटर और 5 साल की देता है। बाकी ये कि मेरा ख्याल है ठीक है, अच्छा है, वारंटी भी इसकी काफ़ी टाइम तो इन्होंने काफ़ी दिया हुआ है वारंटी का भी। जहाँ तक ट्रंक स्पेस की बात की जाए तो मैं भी यकीन माने हैरान हुआ हूँ, इतनी ह्यूज ट्रंक स्पेस है और गाड़ी वाकई देख सकते हैं जैसे आपकी करोला में होती है तकरीबन, उससे मिलती जुलती या शायद मेरे ख्याल उससे थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है स्पेस। वाकई गाड़ी में ट्रंक स्पेस काफ़ी है और आपको नज़र भी आ रहा है। एक चीज़ की ज़रूर थोड़ी सी कमी है, अगर इस पर कवरिंग्स होती ये ज़रा चीज़ें नहीं अच्छी लगती। अब तारें शारें नज़र आ रही हैं क्योंकि मैं बताया इतने पैसे ले रहे हैं तो कवरिंग्स तो बनती हैं बिल्कुल। बैक पर फिर LEDs भी बनती हैं, लाजमी बनती हैं। गाड़ी का 0 to 100 चेक करने की वैसे कोशिश हम कर सकते हैं बट थोड़ा सा मुश्किल है ज़रा, क्योंकि अभी ज़रा जगह भी इधर इतनी नहीं है। जो 1 2 3 गो, पूरा स्टॉप तकरीबन आप कह लें ये थोड़ा सा, मैंने क्योंकि गाड़ी लेट शुरू की थी तो तकरीबन आप कह लें कि ये वैसे मोबाइल पे शो हो रहा है 15 सेकंड, बट ये क्योंकि गाड़ी हमने तकरीबन 2-3 सेकंड बाद चलाई है तो तकरीबन मेरा ख्याल है इसका 0 to 100 जो है वो 12.5 सेकंड है। जो सुजुकी सियाज के बारे में एक और चीज़ मैं बता दूं, ये वाले जो मॉडल्स आए हैं 2017-18 तक, ये मेड इन थाईलैंड थे और ये थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, इंडिया, फिलीपींस, ये काफ़ी कंट्रीज़ में काफ़ी सक्सेसफुली गाड़ी चल रही है। अभी का मुझे इतना वैसे आइडिया नहीं है, इन्होंने कहा था हम लोकली इसकी मैन्युफैक्चरिंग शुरू करेंगे बट आई एम नॉट श्योर कि अभी की है या नहीं, बट ये थाईलैंड है, CBU है और इसकी वजह से इसके जिसे कहते हैं इस पर लग्जरी टैक्स भी लगता है और एक 1300 से अबव होने की वजह से, हालांकि वैसे कोई मैंने देखा जाए तो ये बनती कोई बात नहीं है। इससे ये कि आप इम्पोर्टेड गाड़ी को यही है कि डीमोरलाइज कर रहे हैं, जो कि मेरा ख्याल है अच्छी बात नहीं है। लोकल में फिर यही है कि आप देख लें ऑप्शन कोई नहीं है। अगर देखें लोकल में गाड़ी को अच्छी बनाए तो फिर ही समझ आती है ना, आप गाड़ी भी कोई नहीं, जहालत बेचनी है तो फिर क्यों बंदा वो ले लोकल गाड़ी, फिर इम्पोर्ट खोलें, इम्पोर्ट भी बंद कर दी है बंदा क्या करे, फिर ये गाड़ियाँ मजबूरियाँ बना दी जाती हैं। अब ये इम्पोर्टेड है, इम्पोर्टेड स्पेशली ये देखें मैनुअल बनवाई है और एसेसरीज निकलवाई है, कोई अच्छी बात तो नहीं है मेरा ख्याल है। एसेसरीज होनी चाहिए, लाजमी होनी चाहिए, गवर्नमेंट को टैक्स कम करना चाहिए, टैक्स बहुत ज़्यादा है। कोशिश मैंने यही की कि सुजुकी सियाज के बारे में आपको काफ़ी कुछ बताऊं, काफ़ी चीज़ें मैंने बताई, काफ़ी कुछ रह भी गया होगा क्योंकि मेरी कोशिश थी, बट वही बात है जेन, मैंने इसके एक और चीज़ में बता दूं, मैं अपने रिव्यूज़ की कोई तैयारी नहीं करता, जो मुझे इसके बारे में इंफॉर्मेशन होती है, जो नॉलेज होती है मैं वही बताता हूँ। काफ़ी लोग आपको तैयारी से बताएंगे जो कि, बट ये मेरा ज़रा स्टाइल है कि मैं इतनी कोई तैयारी इसकी नहीं करता होता रिव्यूज़ की, अपने जो मुझे इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, मैं उससे ही ये कि देखता हूँ ना, कोई इसका मैंने स्क्रिप्टेड भी आप देख सकते हैं मेरे पास कुछ लिखा नहीं होता, तो बस ये स्टाइल है जो काफ़ी लोगों को पसंद आया मेरा। और इसे ज़्यादा लाइक करें, फेसबुक पे शेयर करें, कमेंट करें ताकि हमें आपकी राय का पता चले, और नेगेटिव कमेंट प्लीज़ ना किया करें, उसका कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि ना मैं रिप्लाई करता हूँ और वो क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे कर रहे हैं तो वो उसका फ़ायदा भी कोई नहीं। बाकी दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।